प्रयागराज यमुना पार के घूरपुर थाने की पुलिस के द्वारा खनन माफियाओं को मिला संरक्षण, तो खनन माफियाओं का हौसला हुआ बुलंद। सरकार के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, सरकार के आदेशों के बावजूद दौड़ रही ओवरलोड खनन की गाड़ियां। अमलिया पालपुर बसवार में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक शासन प्रशासन की मिलीभगत से मिट्टी खनन का कारोबार चल रहा है। जनपद के घूरपुर क्षेत्र के अमलिया पालपुर बसवार में जेसीबी मशीन से अवैध मिट्टी का खनन कारोबार तेजी से चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि घूरपुर थाना कारखास की जानकारी में यह खनन हो रहा है, जो कि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक देखा जा सकता है। जबकि किसी पत्रकार बंधु द्वारा इस खनन की खबर पहले भी प्रकाशित की जा चुकी है, लेकिन घूरपुर कारखास पर खनन संबंधी अधिकारियों पर कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा। लिंक सड़कों पर चालक बेखौफ होकर ओवरलोड वाहनों को बिना किसी रोक टोक के दौड़ा रहे हैं। यातायात नियमों का सड़कों पर खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही तो दूर, धड़ल्ले से चल रहे ओवरलोड वाहनों को रोका तक नहीं जा रहा। इन वाहनों की चेकिंग की जिम्मेदारी पुलिस परिवहन खनन और वाणिज्य कर विभाग की है, लेकिन इन विभागों की लापरवाही के चलते दिन रात ओवरलोड भारी वाहन बेखौफ गुजरते हैं। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बाद भी ओवरलोड भारी वाहन रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक फर्राटे भरते नजर आते हैं। भारी वाहनों के खिलाफ इस मार्ग पर परिवहन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने से वाहन चालकों के हौसले बुलंद हैं। वहीं ओवरलोड खनन के भारी वाहनों के आवागमन से क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मिट्टी गिरने की वजह से सड़कों पर धूल का गुब्बार उठता रहा। सड़क के आसपास रहने वाले बासिंदों के लिए धूल से बीमारियों का कारण बनी हुई है। घरों और पेड़ों में मिट्टी की परत तक जम जाती है। धूल से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इससे लोगों को बीमारी होने का भय सता रहा, जिससे आसान लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ओवरलोड वाहनों की वजह से छोटे वाहनों में तो करीब 1 किलोमीटर तक साइड ही नहीं मिलते। वाहन के ओवरलोड होने से चालक सड़क से नीचे नहीं उतारते, जिससे अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी तथा थाना प्रभारियों की चुप्पी साधने से क्षेत्र की जनता तथा राहगीरों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लालपुर किसी सिपाही के द्वारा ओवरलोड ट्रैक्टर को पास कराया जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बावजूद भी उच्च अधिकारियों को इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। बेधड़क होकर गाड़ियों को रोड पर दौड़ाने की खुली छूट दे रखा है। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव।